वेलकमिंग योर टैली क्लास। जॉइंट लास्ट क्लास में हमने डेबिट और क्रेडिट नोट किए थे, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। आज हम वाउचर्स को टॉगल करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास इनवॉइस वाउचर होते हैं, परचेज, सेल के, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के, उनको हम इन्वेंट्री टू इनवॉइस और इनवॉइस टू अकाउंटिंग हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप देखें, सपोज हम एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं F9। अब जैसे ही मैंने F9 प्रेस किया परचेज वाउचर, आप देख रहे होंगे आपके पास एक इनवॉइस खुला है इसका। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देना। इससे क्या होता है, वाउचर हमारा अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जैसे ऊपर मेरे पास डेट आ रही है 1 जुलाई की, मैं इसको F2 से चेंज कर लेती हूँ। तो जब आप टैली में काम कर रहे होंगे कहीं पे भी, तो आपने क्या ध्यान रखना है, डेट चेंज का बहुत ध्यान रखना है। जब भी एंट्री करने लगो उसकी डेट चेंज करनी है, जो भी बिल या आपके वाउचर में डली होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स इसकी हैबिट जो है वो कम होती है, तो मैं इसकी 1st अगस्त ले लेती हूँ। और यहाँ पे आपने बिल नंबर डाल दिया, और इधर से पहले क्या उठा रहा है वो क्रेडिट। तो परचेज में क्रेडिट क्या करना होता है, पार्टी। अब आप देख रहे हैं ये इनवॉइस मोड नहीं है, ये वाउचर मोड है, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट को लेके जर्नल एंट्री पास करते हैं। और यहाँ पे आपने डेबिट क्या करना है, परचेज, और क्रेडिट करना है पार्टी। अब इन पार्टीज के साथ हमारी सैलरी की डीलिंग चल रही है, तो इस बार क्या करते हैं, जब हमने वाउचर्स को टॉगल किया तो पार्टी ही नहीं बना देते हैं। अब पार्टी नहीं कैसे बनानी है, आपने कोई भी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट इज और प्लस। इसको मैं एक हिंट दे देती हूँ, ये हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि जैसे ही हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट लंबी होती जाती है ना, तो अगर तो आपको नाम याद है, आप उस तो आपको उन चीज़ों में एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जब आप इनिशियल मोड पे काम कर रहे होते हैं तो आप इनको पहचान दे सकते हैं, उसके बाद फिर आप इनके नाम बता दें। तो ये जैसे हमारे पास क्रेडिटर है, एंटर सर्च किया, इधर से हम गए क्रेडिटर से, और यहाँ से बिल बाय बिल का फीचर ये है। और यहाँ पे आप पार्टी की डिटेल, उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, बैंक डिटेल, और यहाँ पे ये सब डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का जो क्रेडिट है 50,000 सपोज हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस से नया बिल डलेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ये बिल नंबर है मैंने नहीं डाला, ये बिल नंबर ये वाला उठा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर का ऑटोमेटिक उठाता है। अगर आपको लगता है ये करेक्ट नहीं है, देन यू कैन चेंज इट। और इधर से डेबिट आपने क्या करना है, परचेज, परचेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब देखिए परचेज पे जैसे ही मैंने एंट्री प्रेस किया, जब आप टैली में एंट्रीज पास कर रहे होंगे तब आपके पास ना एक बॉक्स आता है जिसको हम स्किप करके आगे ले जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर तो आप स्टॉक की डिटेल डालना चाहते हो तो आप बिना उस वाउचर के इनवॉइसिंग मोड में जाके यू कैन ट्रेड सीड द डिटेल्स ऑफ दैट स्टॉक इन अकाउंटिंग मोड ऑल्सो, जस्ट बिकॉज इस परचेज लेजर में हमने इसको यस किया। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इज यस, ये यस है तभी हम इसमें स्टॉक जो है वो डाल पाते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ से लिया कंप्यूटर, वो डाउन ले लेते हैं, हरियाणा में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो मैं पंजाब में ही इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ, 5 सिटीज ये लिया। अब आप देखें जैसे मैंने इसके 5 पीसेस लिए, ठीक है, और इधर मेरा अमाउंट बन गया मल्ला 25,000 का, और यहाँ पे 50 है, इन दोनों जगह जो है वो सेम होना चाहिए। मल्ला 25,000 और दोनों जगह हमारा सेम हो गया। और अब इसीलिए नीचे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट बचे गए हैं, और इधर आपने डायरेक्शन दे दी, डी गुड परचेज फ्रॉम, उसकी डायरेक्शन, पार्टी का नाम, वाइट बिल नंबर जो हमारे पास मेंशन है,
अब आप देखिए इन्वर्टिव मोड में एंट्रेंस करना आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, इसमें कितना ईजी लग रहा है अगर आपको जनरल एंट्रेंस बना नहीं आती है। तो ये हमने ट्रेवल किया। अब इसी टाइप से रिटर्न की एंट्री पास करके देख लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, पहले मैंने आपको परचेजेस करने सिखाया, फिर सेल्स करना सिखाया, फिर उनकी रिटर्न की एंट्री अलग थी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। अब आज जब हम उन वाउचर्स को टॉगल कर रहे हैं तो मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि सेल परचेज करना आ गया और रिटर्न पे करना आ गया। एक एंट्री जब परचेज के पास की, अब उसी का रिटर्न कर लेते हैं। कंट्रोल एफ नाइन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आता है डेबिट नोट, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वाउचर मोड में आ रहा है। और इसका इन्वर्टिंग मोड कैसे आता है, कंट्रोल प्लस बी के साथ। मैंने फिर कंट्रोल बी प्रेस किया, आ गया इसका वाउचर मोड। और लास्ट टाइम हमने इसकी इन्वर्टिंग में एंट्री की थी, इस बार हम इसकी वाउचर मोड में एंट्री करें। ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर सपोज मैंने ये लिया, डेबिट क्या करना है, अभी आपने परचेज रिटर्न है तो यहाँ से इस पार्टी को डेबिट कर देते हैं। अब इस पार्टी से 1,25,000 की परचेज हुई है और इसका 1 पीस 25,000 का था और हम 2 पीसेज की रिटर्न एज पर 50,000 कर देते हैं। इस बिल से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने अगेंस्ट रेफरेंस को बिल उठाया हुआ है। ये भी चीज बड़े ध्यान से देखने वाली है कि जब आप पार्टी का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे आप अमाउंट डाल रहे हैं कि कैलकुलेट करके पर पीस कितना बनता है, और यहाँ पे आपने न्यू रेफरेंस नहीं लेना, क्योंकि अगर आप रिटर्न का नया इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आपको पेमेंट के टाइम पे उन रेफरेंस को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पार्टी की पेमेंट करने के टाइम पे उसका एक्यूरेट अमाउंट नहीं दिखाता। तो आप क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस जिसमें एक पेंडिंग बिल पड़ा हुआ है 1,25,000 का, उसमें से ही हमने 50,000 की रिटर्न करके उस रेफरेंस यानी बिल को एडजस्ट करना है ताकि पेमेंट में वो अमाउंट एक्यूरेट हो जाए। और इधर क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न या फिर परचेज। अब बेटर क्या है, आप परचेज रिटर्न बना लो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा किस पे, परचेज के ग्रुप पे, डेबिट और क्रेडिट ही अपने आप एडजस्ट कर लेगा। मैं अभी स्टार्टिंग से परचेज ही ले रही थी इसमें रिटर्न में, तो मैं अभी यही लेकर उठा लेती हूँ। और आइटम में ले लेते हैं कंप्यूटर, तो मेरी रिटर्न थी 2 पीसेज की 50,000 और हरियाणा में स्टॉक नहीं है, पंजाब से लेना है आपको, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे रॉन्ग गोडाउन सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे ना नेगेटिव स्टॉक की एक नोटिफिकेशन आ जाती। तो ये भी आपने साथ साथ ध्यान रखना है कि अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर कोई वार्निंग दिखा रहा है तो आपने उसको स्किप नहीं करना, पढ़ के फिर आगे प्रोसीड करना है। दैट मीन सिलेक्ट द करेक्ट गोडाउन और यहाँ से नीचे आप नेगेटिव पास कर देंगे, बी गुड रिटर्न टू पार्टी नेम। वाइट बिल नंबर इस वन, और आगे आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं, तो वो डिफेक्टिव है या आपको एक्सेस क्वांटिटी मिल गई है उस वजह से। सेव, ये हमारे रिटर्न की एंट्री हो गई। अब एक बार पार्टी का लाइजर चेक कर लेते हैं फिर उसकी पेमेंट करें। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, अब देखिए मैंने इस पर डायरेक्ट लेजर के ऊपर एंटर दिया, मैं ग्रुप समरी में नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने पार्टी के लेजर तो बनाए हुए थे, अब उनमें से एक पार्टी सिलेक्ट करनी थी जिसमें हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि डेटर कौन सा है और क्रेडिटर कौन सा है, तो हम ग्रुप समरी में जाके उनके डेटर और क्रेडिटर के पेंडिंग बैलेंसेस को देख रहे थे। अभी हमें पता है कि वो जो हमने पीटी एंटरप्राइजेज बनाया ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये शॉर्टकट हो गया आपका। तो जितना आप इसके सॉफ्टवेयर में काम करते जाएंगे रिपीटेडली, आपको चीजें अपने आप शॉर्टकट से मिलते जाएंगे। ये पार्टी का लेजर पीटी एंटरप्राइजेज, क्रेडिटर है 1,25,000 की परचेज है जिसमें से 50,000 का रिटर्न हो गया और बैलेंस इज लेफ्ट 75,000। अब इस पार्टी की हमने पेमेंट करनी है 75,000। अब डे बुक में एक पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेट चेंज करी थी तो एक बार डे बुक का देखना जरूरी है। डे बुक, अब देखिए ये मैंने आपको जैसे डेट चेंज करके बता रही हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 एंट्रीज शो कर रहा है, क्योंकि लेटेस्ट एंट्री वाउचर में हमने 1st अगस्त की थी और यहाँ पे ऑल टैक्स 2 प्रेस करके
आप काफी सारे एंट्रीज देख सकते हैं। ऑल टैप टू में आप 1419 और यहाँ पे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने टिल नाउ तक देखना है तो टिल डेट तक के लिए सारी आ गई, 1st of April टू 1st of August। अब आ जाते हैं सेल्स रिटर्न के कंसेप्ट पे। बिल्कुल ऐसे ही करना है, वाउचर किसी भी वाउचर में प्रेस F8। अब इसका टॉगल कर लेते हैं कंट्रोल वी के साथ। रेफरेंस नंबर सपोज S9 है और इसमें डेबिट क्या करना है, पार्टी इस बार न्यू क्रिएशन कर लेते हैं। इसको मैं डेबिट एक अपने लिए दे रही हूँ इसकी नोटिफिकेशन कि हमें रहेगा कि ये डेटर है, सन्ड्री डेटर बिल बाय बिल गेस एंड स्टेट। Thank you.